आभार, बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सोनी। फिर मिलते हैं किसी मंच से, इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं हरगोविंद धाम जी पानीपत से, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ज्योत्सना राजोरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, और आगे हम जुड़ने जा रहे हैं जो अभी मेरे साथ को-होस्ट कर रही थी, मेरी बहुत प्यारी सी सहेली आराधना जी। मैं आपको निमंत्रण देती हूँ इसे दोहे के साथ। ये सभी दोहे मैंने अपनी खूबसूरत सहेलियों के लिए कहे हैं, अपनी खूबसूरत बेटियों के लिए कहे हैं, अपनी खूबसूरत बहनों के लिए कहे हैं, या यूं कहूँ कि सारी सृष्टि के लिए कहे हैं। नदी के लिए कहे हैं, वो भी फीमेल है, सृष्टि के लिए कहे हैं, वो भी फीमेल है, और बिना मेल के फीमेल ये सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप सबके लिए कहे हैं कि बिछिया पायल कर धनी, बिछिया पायल कर धनी औरत बाजू बंद। गौर करें कि बिछिया पायल कर धनी औरत बाजू बंद, नथनी बाली चूड़िया कंगन स्वप्निल छंद। नथनी बाली चूड़िया कंगन क्या बात, क्या स्वप्निल छंद। तो इस दुनिया की पूरी बात, खूबसूरती हम सब से है। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आराधना जी। चलिए शुरू करते हैं, कुछ और सुनते हैं। सोनिया जी आपने इतने अच्छे से मुझे बुलाया, आवाज दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सुंदर संचालन आपका चल रहा है और बहुत सुंदर, और इसके लिए आप को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। और वैसे भी सोनिया जी एक बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं, जो कि गजल गीत सब विधा में माहिर हैं, और संचालन तो उनका बहुत ही उम्दा हुआ करता है। तो बहुत बहुत मैं आपको संचालन के लिए आज बधाई प्रेषित करती हूँ, और हार्दिक धन्यवाद आपका। शुक्रिया। इन चंद्र मैजिक मैन पटल पर आप सभी जुड़ने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जुड़ने वाले को मेरा प्रणाम है, नमन है, सादर प्रणाम। आदरणीय हरीश नवल सर, आपको मेरा सादर प्रणाम है। आपने जो जो अध्यक्षता आपके अध्यक्षता में जो हम ये महायज्ञ की शुरुआत किए हैं, और उसमें हम सबकी जो भी आहुति जो हम सब दे रहे हैं, वो सचमुच हमारे लिए एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है ये मंच। और एन चंद्रा सर ने जो हमें इतना बड़ा मौका दिया है, ठीक है, उसके लिए उन्हें बिल्कुल बहुत सादर बढ़िया। आभार उनका, उन्हें बहुत बहुत बधाई और उनका आभार व्यक्त करती हूँ। गजल के स्वागत, माध्यम से अपनी शुरुआत करना चाहूंगी, तो गजल सुनिएगा। बहुत बहुत स्वागत। चंद अशआर पेश करती हूँ, जुड़ने वाले सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। दीपशिखा सागर जी नजर आ रही हैं, उन्हें मेरा नमन है, बहुत प्यारी दोस्त है मेरी। दमयंती शर्मा दी दिख रही हैं, प्रणाम उनको। आदित्य सर का बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी जुड़े हुए हैं, नमन है। सभी को जुड़ने वालों का नमन है। और दिनेश दवे सर भी देख रही हूँ कि जुड़े हुए हैं, उन्हें भी मेरा प्रणाम है। चंद अशआर पेश खिदमत है, समाप्त कीजिएगा। आता हो। मतलब अर्ज किया है कि है अनोखी ये प्यार की खुशबू, क्या बात है, है अनोखी ये प्यार की खुशबू, बावरे मन की बावरी खुशबू, बावरे बहुत सुंदर है। मन की बावरी खुशबू। शेर देखिए, या खुदा या ये साहिरी तोबा, या क्या बात है, खुदा या ये साहिरी तौबा, खुद ही भर भर के लूटती क्या बात है, वाह, क्या खुशबू, खुद ही भर भर के लूटती खुशबू, बावरे मन की बावरी खुशबू। बहुत शुक्रिया सोनिया जी। अर्ज किया है कि बहुत स्वाद। गहरी गहरी सी झांकती अंदर, गहरी गहरी सी
समंदर को नापती खुशबू, क्या बात, मन मन समंदर को समंदर नापती को खुशबू, वाह नापती खुशबू, गहरी गहरी सी झांकती अंदर, मन समंदर को नापती खुशबू। बहुत शुक्रिया, शेर देखिएगा। ऐसे एहसास को बयां कीजिए, ऐसे एहसास को बयां कीजिए, शेर में आए मीर मीर सी सी खुशबू, क्या बात है, खुशबू, वाह वाह, शेर में आए मीर सी खुशबू, बावरे मन की बावरी खुशबू। और क्या एक बात है, शेर, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी, और एक शेर आपको नजर करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। तेरी आंखों को देख कर ये लगा, अच्छा तेरी आंखों को देख कर ये लगा, फूल चुप और बोलती देखिए खुशबू, क्या बात है, अरे खुशबू, वाह फूल वाह वाह, क्या चुप बात, और बोलती बोलती खुशबू, क्या खुशबू, तेरी बात है, आंखों को देख कर ये लगा, फूल चुप और बोलती खुशबू, बावरे मन की बावरी खुशबू। बहुत शुक्रिया दिनेश दवे सर, बहुत शुक्रिया। देख रही हूँ कि दिवाकर बहुत अयाची सर भी जुड़े हैं, उन्हें भी मेरा धन्यवाद। मधु दीदी भी जुड़ी हुई है, उन्हें भी मेरा प्रणाम है। हाँ, दीपशिखा जी, सभी का बहुत 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 धन्यवाद, सभी का जुड़ना हुआ है जी। सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत 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 स्वागत सभी का। आदर्शनी जी भी जुड़ी हैं, नीता जोशी जी भी जुड़े हैं, और वो कह सभी रही को हैं कि मेरा आज तो आपकी प्रणाम। आवाज की, और आराधना जी आपकी आवाज की खुशबू की तारीफ हो रही है जो चहुं ओर फैल रही है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत सा प्यार देती हूँ। बावरे मन की बावरी खुशबू, मीर सी खुशबू, आज आ खुशबू की नजाकत छू कर देखी, ऐसा कह रही है नीलम जी। तो आप सभी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इस मंच से। चलिए सुनते हैं आप आराधना जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और गजल आप सभी के समक्ष रखती हूँ, देखिएगा। स्वागत, मतलब अर्ज किया है कि ये किसका नाम लब पर आ गया है, ये किसका नाम लब पर आ गया है, जो मेरी रूह को वाह जबरदस्त, महका गया है, जो मेरी रूह को महका गया है। शेर समाप्त कीजिए। बगावत परिस आमादा हवा से, बगावत परिस आमादा हवा से, चराहों को भी जलना आ आ गया है, वाह गया है, बहुत सुपर, चराहों को भी बहुत सुपर, जलना आ सुंदर, गया है। बहुत शुक्रिया, शेर देखिए। परिंदा हो गया जख्मी, ये कैसे,
शीशे से क्या टकरा टकरा गया। वाह गया है, किसी शीशे से क्या टकरा गया है। बहुत शुक्रिया। शेर बहुत देखिए। सुंदर। गली में एक अजब सा शोर है क्यों, गली में एक अजब सा शोर है क्यों, कोई मजलूम क्या रोता वाह गया है, कोई मजलूम क्या रोता गया है। शेर अर्ज किया है। तुम बहुत ही अच्छा है। गम के नहीं मारे जहां कुएं से में, तुम ही गम के नहीं मारे जहां में, तुम्हारा गम हमें भी खा खा गया गया है, है। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारा गम हमें भी खा गया है। बहुत शुक्रिया सोनिया जी, बहुत आप सभी का सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बहुत गजल की ओर आप शुक्रिया सभी सभी। को ले चलती हूँ। हाँ बेशक आराधना जी, मैं तब तक रमणीक सिंह जी का, नीता जोशी जी का, हरीश नवल जी का, आभा चौधरी जी का, किरण अग्रवाल जी का और कमलेश कुमार दीवान जी ने बहुत खूबसूरत कमेंट किया है आपके लिए कि गुलजार साहब जी ने खुशबू का जैसा प्रयोग किया उससे अच्छा कहा है आपने खुशबू पर। आराधना जी मुबारक हो। ये बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सादर पढ़ने लायक प्रणाम कमेंट लगा, आपको, तो बहुत सादर बहुत प्रणाम शुक्रिया आपका। आपको, बहुत नीतू बहुत पवार जी, शुक्रिया, विनय बहुत पवार जी बहुत भी जुड़ी बहुत हैं आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत स्वागत है विनय। आभा चौधरी जी, किरण अग्रवाल जी और जितने भी नाम आगे, अनीस अहमद जी भी मुझे अभी दिखे थे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मधु मधुमन जी तो हैं ही और हरीश नवल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपकी इस ऊर्जा को हम बार बार नमन और वंदन करते हैं। आपका असली आशीष हमें यूं ही मिलता रहे और हम ये काम करते रहे। चलिए आराधना जी, आगे सुनते हैं आपको फिर से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, प्रेषित करती हूँ, और गजल के चंद अशआर आप सभी के समक्ष रखती हूँ। देखिएगा, मतलब अर्ज किया है कि हाँ समुंदर बना था, समुंदर बना था सरापा तमाशा, समुंदर बना था सरापा तमाशा, अजब तिश्नगी ने दिखाया तमाशा, समुंदर पक्का है। अरे बना था सरापा तमाशा, अजब तिश्नगी ने दिखाया तमाशा, समुंदर वाह बना था। बहुत शुक्रिया सोनिया जी। शेर अर्ज किया है। सरे राह दामन हवा में उड़ा कर, मुझे तुमने कैसा बनाया तमाशा, तमाशा, वाह मुझे तमाशा का तुमने जवाब मिला। कैसा बनाया वाह तमाशा, समुंदर वाह बना था। शेर देखिएगा। वहां कैसने खो दिया था सभी कुछ, वहां कैसने खो दिया था सभी कुछ,
यहाँ बन गया है, यहाँ बन गया है ये सहरा तमाशा, बहुत यहाँ बन सुंदर, गया है ये सहरा तमाशा, समुंदर बना था। बहुत शुक्रिया। शेर देखिए, मेरी हसरतों के दिए बुझ रहे हैं, मेरी हसरतों के दिए हैं, कोई आके देखे, कोई आके देखे हवा का तमाशा, वाह वाह कोई आके देखे हवा का तमाशा, समुंदर बना था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक और आप सभी के समक्ष मैं गजल रखना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा, स्वागत है, मत स्वागत लाज किया है। बहुत है। जो अपने फैसले, जो अपने फैसले पल पल बदलते रहते हैं, जो वाह अपने फैसले पल पल बदलते रहते हैं, वो जिंदगी में फैसले। शेर देखिएगा, स्वागत मिजाज रखते हैं जो सख्त पत्थरों की तरह, मिजाज रखते हैं जो सख्त पत्थरों की तरह, वो लोग मोम की तरह, वाह वो लोग मोम की सूरत पिघलते रहते हैं, वो क्या बात है, लोग मोम की सूरत अपने फैसले। बहुत शुक्रिया। शेर अर्ज किया है, आता हो कभी किसी के बुझाने से ये नहीं बुझते, ये ये नहीं बुझते, कभी किसी के बुझाने से ये नहीं बुझते, चरागे इश्क तो, चरागे इश्क तो तूफान में जलते चलते रहते हैं। क्या रहते बात है, वाह वाह हैं, वाह वाह, चरागे इश्क तो तूफान में जलते रहते हैं, जो अपने फैसले। शेर देखिएगा सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत सभी जुड़ने स्वागत। वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी देख रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, और मैं बहुत कमेंट, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ जी। शेर देखिएगा, तुम्हारी याद के जुगनू अजीब हैं जाना, तुम्हारी याद के जुगनों अजीब है जाना, हमारी पलकों पे, हमारी पलकों पे आकर टहलते रहते हैं। रहते हैं, अच्छा हमारी पलकों पे आकर
फैसले। और आखिरी शेर अर्ज करती हूँ, समाप्त कीजिए। स्वागत अतः होगा। करीब से भी न पहचान पाए हम जिनको, करीब वाह वाह वाह, से भी न पहचान पाए हम जिनको, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, चेहरे बदलते बदलते रहते हैं। बहुत रहते हैं, बढ़िया, ये कैसे लोग हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, जो अपने फैसले। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खूबसूरत, प्रणाम। बहुत खूबसूरत पढ़ रही हैं आराधना जी, बहुत खूबसूरत पढ़ रही हैं। एक गजल और हो जाए, और जो भी आप पढ़ना जी चाहें गजल की रचन, और उसके बाद फिर जी हम आगे सफर को लेकर चलेंगे। अभिनंदन कर रही हैं आपका हरीश जी भी, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी भी, विभाराज जी भी, गायत्री ठाकुर जी भी जुड़ी हैं, मोहिनी निखिल गुप्ता जी जुड़ी हैं। मोहिनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, स्पेशली आइंसर तो आपका अभी जुड़ी है, इसीलिए आपका स्वागत करती हूँ। विभाराज जी जी, किरण अग्रवाल जी, नीता जोशी जी कह रही हैं, मखमली आवाज, आराधना जी, बहुत बेशक शुक्रिया ऐसे नीता निश्चय जी, ही बहुत हमारे शुक्रिया, साथ सभी जुड़े। का बहुत बहुत शुक्रिया। और कमलेश कुमार दीवान जी, आप कोई आके देखे हवा का तमाशा, तो आपकी तमाशा की भी बहुत तारीफ हुई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और कमलेश शुक्रिया जी ने ये भी सभी बोला है कि इस पटल पे एक ऐसा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाए जिसमें लेखकों की रचनाओं को गायकी में लयबद्ध किया जाए, बेशक इस पर जी। हम भी विचार करेंगे और आपकी जो ये बातें हैं हम आगे तक जरूर पहुंचाएंगे। हरीश नवल जी कह रहे हैं कि बेहतरीन रचनाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप लगातार अपनी दाद से हमें नवाज रही हैं, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह हम तक पहुंच रहा है आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सुनते हैं एक और गजल आराधना जी से। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम करती हूँ। और मैं एक रचना और आप सभी के समक्ष रखती हूँ, गजल ही रखती हूँ एक और, तो मतलब अर्ज करती हूँ, देखिएगा। ये अतः मैं तहत में पढ़ना चाहती हूँ, तो स्वागत। मतलब अर्ज किया है कि अंदाज बदलने में अभी वक्त लगेगा, अंदाज बदलने में अभी वक्त लगेगा, पत्थर को पिघलने में अभी वक्त लगेगा, अंदाज वक्त लगेगा, बदलने क्या में बात। अभी वक्त लगेगा, पत्थर को पिघलने में अभी वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया सोनिया जी, और शेर अर्ज करती हूँ कि बेवक्त भला रात कहाँ जाएगी आखिर, बेवक्त भला रात कहाँ जाएगी आखिर, सूरज को निकलने में अभी वक्त लगेगा। वक्त लगे, बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया। बेवक्त भला रात कहाँ जाएगी आखिर, सूरज को निकलने में अभी वक्त लगेगा। और शेर अर्ज किया है कि है शौक टहलने का तो ख्वाबों में ही टहलो, है शौक अच्छा है। टहलने का तो ख्वाबों में ही टहलो, बागों में टहलने में अभी वक्त लगेगा, बागों वक्त लगेगा, में बहुत टहलने बढ़िया, में अभी वक्त लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। शेर देखिएगा कि जाते हो निकल कर मेरे कूचे से तो जाओ, जाते हो निकल कर मेरे कूचे से तो जाओ, इस दिल से निकलने में अभी वक्त लगेगा, वक्त इस दिल से लगेगा, बहुत निकलने में सुंदर, अभी वक्त लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर समाप्त कीजिएगा कि फूलों का चलन और ही होता है मुसाफिर, फूलों का चलन और ही होता है सफर में, पर खार पे चलने में अभी वक्त लगेगा, पर खार पे बहुत चलने लगता में अभी वक्त लगेगा, फूलों का चलन और ही होता है सफर में, पर खार पे चलने में अभी वक्त लगेगा, पर खार पे चलने में अभी वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया। और शेर देखिए कि खास है। तवज्जो चाहूंगी कि फिलहाल ये काफी है कि तुम खुद को बदल लो। सोनिया जी देखिएगा,
फिलहाल ये काफी है कि बताने, तुम खुद को बदल लो, दुनिया को बदलने में अभी वक्त लगेगा। फिलहाल वक्त लगेगा। क्या ये बात है, काफी है वाह, कि तुम खुद को बदल लो, दुनिया को बदलने में अभी वक्त लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर आप सभी के सामने रखती हूँ कि हौले से तेरे दिल में जो ये आग लगी है, हौले से तेरे दिल में जो ये आग लगी है, शोलों को मचलने में अभी वक्त लगेगा। शोलों को बहुत मचलने में सुंदर, अभी वक्त लगेगा, अंदाज बदलने में अभी वक्त लगेगा, पत्थर को पिघलने में अभी वक्त लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत वक्त खूबसूरत है लगता है, बहुत सोनिया जी, खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो चला है शायद वक्त हो गया है तो आपको हम बीच में जी अपने साथ रखेंगे। जी इसी जी बीच हमारे साथ जुड़ी हैं ज्योत्सना राजोरिया जी और शिव राजोरिया जी। और आप सबको बता देना चाहती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम से पहले जो एक खूबसूरत गीत हम सुनते हैं खूबसूरत आवाज में, वो आवाज है ज्योत्सना राजोरिया जी की, और उसे कंपोज किया वाह है आदरणीय शिव राजोरिया जी ने, और उसे लिखा है हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय हरीश नवल जी ने। तो आप सभी वाह हमारे बीच में मौजूद हैं, आप सभी को इस उस गीत के लिए भी मैं ढेरों शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और उसके बाद हमारे साथ आगे जुड़ने वाली हैं अंकिता जी। अंकिता जी एक उभरती हुई कवित्री हैं, बहुत अच्छा कहती हैं। चलिए अब हम उनको सुनेंगे। और आप दोनों के लिए, आपके लिए आराधना जी, किस सलीके से निगाहों को लड़ाता कौन है? जिस सलीके से आपने लड़ाई है आज हमसे, जिस सलीके से आपने कहा है, तो आपको कहती हूँ, किस सलीके से निगाहों को लड़ाता कौन है? आईने को यूं भी आईना दिखाता कौन है? इस सलीके से निगाहों को लड़ाता वाह कौन है? आईने को यूं भी आईना दिखाता कौन है? और आज बस्ती में फकत तेरी महक की धूम है, आज आहा बस्ती में फकत तेरी महक की धूम है, सोनम को अपनी गजल सा गुनगुनाता कौन है? क्या आराधना बात को क्या अपनी बात, गजल सा गुनगुनाता कौन है? बहुत शुक्रिया आने को सोनिया अपनी जी, गजल बहुत सा धन्यवाद सभी जुड़ने गुनगुनाता वालों का, बहुत धन्यवाद सोनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।